और इस बार ऑफ कोर्स बिकॉज अतुल सर के पास जो टाइम है थोड़ा लिमिटेड है, बहुत सारी रिसर्च के बाद हमने डिसाइड किया कि कौन सी वो इंटरेस्टिंग जगह है जहां पर हम चेक इन करने वाले हैं। तो हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग जगहों में से एक जगह भी आ चुके हैं। यूनिकॉर्न ग्रुप का ये ऑफिस है, उनका प्रोजेक्ट है पिराना ईस्टर्न पुणे में, जो कि एक बहुत ही कमाल का अपकमिंग लोकेशन बनता जा रहा है इस एरिया का और पुणे का भी। ऑफकोर्स उसके बारे में अतुल जी से ऑफकोर्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर नीलेश अग्रवाल जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यूनिकॉर्न ग्रुप के, उनसे क्या पूछना चाहेंगे आप। पहले तो सर कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा क्योंकि जब आपने मुझे नाम बताया और यूनिकॉर्न बताया और हम एक मतलब जो बिल्डर है उनके पास जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये नीलेश जी जो है वो काफी बुजुर्ग होंगे और मतलब मुझे नीलेश जी कहना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैं इनसे मिला तो मेरा कह रही ये तो नीलेश है आपने तो और जैसे उनसे बात हो रही थी, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन इन कंस्ट्रक्शन और ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन नीलेश जी जैसा इस फील्ड में आ रहा है और उनका जो विजन है। और दो चीजें होती हैं, विजन होता है एक मिशन होता है, तो उनका जो मिशन है वो है कंस्ट्रक्टिंग कॉन्फिडेंस। I'm glad you noticed that. और ये बड़ी मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल चीज है आज के दौर में, जो अगर इनका मिशन है तो नीलेश जी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि ये बड़ा अच्छा चूज किया आपने आपका जो मिशन है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका विजन क्या है। See, it's a very important question. First of all, मैं यूनिकॉर्न की तरफ से आपका, तरुण का एंड कंप्लीट रेडियो वन की टीम का स्वागत करना चाहता हूँ एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव होस्टेड यू ओवर हियर। विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी As I'm an entrepreneur, I was doing my management studies and that time I realized कि अगर मेरे को पता ही नहीं जाना किधर है तो फिर तो जो रास्ता कटना है and I'm gonna reach nowhere. So vision is very important and lot of our businesses have been missing on that. So जो हम लोग जिस vision पे चल रहे, we want to be number one affordable housing company by 2020 in Pune district. So that is our core vision and we are striving for that. उसी के तरफ पूरा काम चालू है। So that is our core mission, a vision. ये जो आपने area choose किया है, वो बड़ा peculiar area है, Eastern Pune का Pune. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये area आपने क्यों choose किया? See क्या होता है? लोगों का affordable housing के तरफ देखने का नजरिया बहुत अलग है। एक चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं सिटी में घर बनाता हूँ या मैं किधर भी दुनिया में घर बनाता हूँ तो मेरे को ईंट वही लगने वाली है, सीमेंट वही लगने वाला है, स्टील वही लगने वाला है। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, एक 5-10% का मैं इधर उधर करूँ तो किधर भी मैं घर बनाऊ वो तकरीबन उतना ही आता है। अब बात आती है कि आपको सस्ते घर प्रोवाइड करने हैं तो कैसा करा जाए? जी सिटी में इतना महंगा क्यों है और थोड़ा ट्रैवल करते हो तो सस्ता क्यों होता है? तो द बेसिक रीजन इज लैंड प्राइसिंग। सो लैंड प्राइसिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मुझे सस्ता बेचना है तो सस्ता बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट इज कि जस्ट बिकॉज सस्ते घर देने हैं तो आप किधर जंगल में जाके रहोगे? तो आंसर इज नो। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर पिकिंग अप योर लोकेशंस। तो जैसा एक्सेस रोड होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेस रोड, मैं कच्चे रस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर टार डार्करी अच्छे एक्सेस रोड्स, बेसिक नेसेसिटीज जो होते हैं प्रोविजन स्टोर्स, हॉस्पिटल्स, एटीएम्स, स्कूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ डेली लाइफ। तो ये सब का प्रोजेक्ट के आसपास होना बहुत जरूरी है। एंड पेरने का एक खूबसूरती है, उसके नजदीक से गई है भीमा नदी विच इज जस्ट अ किलोमीटर अवे। तो वॉटर इन द लैंड इटसेल्फ इज, देयर इज लॉट ऑफ वॉटर इन द लैंड। So, आज यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जरा वाटर प्रॉब्लम्स है, ये प्रोजेक्ट में पानी नहीं आ रहा है, इधर से बाहर से आ रहा है। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पेरने में बहुत खूबसूरती से पूरी हो रही है, अवेलेबल हो रही है। एंड एक आदमी को एक अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पर मिलेगा उसके बजट में। सो दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर अस टू हैव पिक्ड अप अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग।